हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू पेन एंड पेंसिल्स। आज हम देखेंगे एलकेजी इंग्लिश वर्कशीट पार्ट 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, राइट द मिसिंग लेटर्स इन गिवन सीरीज। यहाँ पे हमने कुछ सीरीज दी हुई है जिनमें की कुछ ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, बच्चे को मिसिंग लेटर वहाँ पे राइट डाउन करना है। यहाँ पे बच्चे को कॉम्बिनेशन लेटर लिखना है, जैसे यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा हुआ है, उसके बाद में ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो उधर बच्चे को लिखना है कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी दिया हुआ है, देन बच्चे को लिखना है कैपिटल डी स्मॉल डी। इसी तरह ई दिया हुआ है तो यहाँ पे एफ लिखना है। नेक्स्ट बच्चों को जी से लेके एल तक है, देन एम से आर तक दिया हुआ है, फिर डब्ल्यू से जेड तक दिया हुआ है। इसके बाद में बच्चों को एस से एक्स तक दिया हुआ है। यहाँ पे हमने सीक्वेंस में नहीं दिया है, बच्चों को रैंडम दिया है ताकि बच्चों को हर तरह से प्रैक्टिस हो सके। जैसे जी है, जी के बाद में एच, आई, जे, के, एल, इसी तरह से एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। इसी तरह से बच्चों को बाकी के लेटर्स भी फिल कर लेने हैं। सेकंड, सर्कल द मैचिंग स्मॉल लेटर इन ईच रो। इस एक्सरसाइज में बच्चों को कैपिटल लेटर के स्मॉल लेटर को फाइंड करना है। यहाँ पे हमने पी दिया हुआ है और सामने कुछ स्मॉल लेटर्स दिए हुए हैं। बच्चे को स्मॉल लेटर्स को चेक करके ये देखना है कि स्मॉल पी कौन सा है और उसको सर्कल करना है। जैसे पी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल पी स्मॉल ओ, तो यहाँ पे बच्चे को इसको सर्कल करना है। इसी तरह से एल का स्मॉल एल ढूंढना है बच्चे को, तो इन सभी लेटर्स को बच्चा देखेगा और स्मॉल एल को सर्कल करेगा। इसी तरह से एम, तो यहाँ पे बच्चे को स्मॉल एम ढूंढना है और उसको सर्कल करना है। तो ये एक्सरसाइज बच्चों के कैपिटल एंड स्मॉल लेटर की है। इसी तरह से आप अदर लेटर्स को भी बच्चे को देख के प्रैक्टिस करवा सकते हैं। थर्ड, टेक द करेक्ट पेयर। यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन लेटर के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि कैपिटल बी स्मॉल बी। तो बच्चे को हर एक ग्रुप में से जो कॉम्बिनेशन लेटर करेक्ट हो उसको सर्कल करना है, बाकी सभी लेटर्स हमने इनकरेक्ट दिए हुए। जैसे इस ग्रुप में अगर आप देखोगे तो ए एल जो कि रॉन्ग है, सी ओ भी रॉन्ग है, डी बी भी रॉन्ग है, तो बच्चे को कैपिटल बी स्मॉल बी को सर्कल करना है, ये करेक्ट है। इससे पहले जो मैंने वर्कशीट दी थी उसमें मैंने इनकरेक्ट को फाइंड करना था। जी क्यू ये रॉन्ग है, एच एन ये भी रॉन्ग है, आई एल ये रॉन्ग है, जे जे ये करेक्ट है, तो बच्चे को इसको सर्कल करना है। इसी तरह से इन सभी ग्रुप्स में से बच्चे को करेक्ट कॉम्बिनेशन लेटर को फाइंड करके सर्कल करना है। जैसे एम एम करेक्ट है इसमें, इसमें आर आर करेक्ट है, बाकी सभी इनकरेक्ट है। इसी तरह से एक्स एक्स करेक्ट है इसमें। ऐसे एक्सरसाइजेस के थ्रू बच्चों की आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्नाइजेशन स्किल काफी अच्छे इम्प्रूव होगी। फोर्थ है डिक्टेशन। डिक्टेशन में आपको बच्चों को लेटर्स को डिक्टेट करना है, जैसे आप कोई भी लेटर बोलेंगे और बच्चे को राइट डाउन करना है। पर इस एक्सरसाइज में हमने ये बनाया है कि जैसे अगर आपने बोला ई, तो बच्चे को ये देखना है कि ई वोवेल है या कॉन्सोनेंट। अगर वोवेल है तो बच्चे को इस साइड लिखना है और कॉन्सोनेंट है तो इस साइड लिखना है। ये आइडेंटिफाई आप बच्चे को ही करने दे। जैसे आपने एल बोला तो आप बच्चे से पूछिए कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, तो बच्चा बोलेगा कॉन्सोनेंट, तो आपको बोलना है आप इस वाले साइड पे लिखिए। इसी तरह से आप डिक्टेट बच्चे को कीजिए जी, तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा। आप बोलिए ए, तो बच्चे को वॉवल वाली साइड पे लिखना है। तो आप इस तरह से बच्चों को डिक्टेशन की एक्सरसाइज दीजिए। इससे बच्चों के आपको लर्निंग का पता पड़ेगा कि उनको लेटर्स लर्न हुए हैं नहीं हुए। सेकंड, बच्चों के वॉवल और कॉन्सोनेंट की भी प्रैक्टिस होगी। फिफ्थ, कलर द वॉवल ए रेड, ई ग्रीन, आई ब्लू, ओ ऑरेंज, यू येलो। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे हमने वॉवल्स की एक्सरसाइज दी है जिसमें कि ये सभी फ्लावर बनाए हुए हैं, फ्लावर के बीच में हमने वॉवल लिखे हुए हैं। तो हमको बच्चों को बोलना है कि जिस फ्लावर में ए लिखा हुआ है वहाँ पे आप रेड कलर करो, जिसमें ई लिखा हुआ है वहाँ पे ग्रीन कलर करना है, जिसपे आई लिखा हुआ है उसमें ब्लू कलर करना है, ओ जिसमें लिखा हुआ है उसमें ऑरेंज कलर करना है, यू में येलो कलर करना है। इससे बच्चा वॉवल्स को आइडेंटिफाई करना सीखेगा और उनमें डिफरेंशिएशन भी आएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे इस फ्लावर में आई है तो बच्चे को यहाँ पे ब्लू कलर करना है, इस फ्लावर में यू है तो यू में आपको येलो कलर करना है। इसी तरह बाकी सब वॉवल्स को देखते हुए बच्चों को फ्लावर्स में कलर कर लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6, सर्कल द लेटर दैट इज बिगनिंग साउंड ऑफ द पिक्चर। यहाँ पे हम बच्चों को फोनिक साउंड की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको बच्चे से पूछना है ये क्या है। जैसे बच्चे ने बोला है ट्री, ट्री मीन्स आपको इसका बिगनिंग साउंड का बच्चे साउंड पूछना है। बच्चों को ट बोलना है, ट मीन्स
टी को सर्कल करना है। यहाँ बच्चों को तीनों लेटर को चेक करना है, जो इसका बिगनिंग साउंड है इस पिक्चर का उसको सर्कल करना है। इसी तरह से फ्लावर है फो, तो यहाँ बच्चे से पूछना फ किसका साउंड होता है, एफ का। तो यहाँ बच्चे को तीनों लेटर को चेक करेंगे और एफ को सर्कल करेगा। इसी तरह से ये क्या है आपको बच्चे से पूछना है, एप्पल, तो यहाँ पर बच्चे को ए को सर्कल करना है। फैन, तो फ एफ को करना है। कार, क, तो यहाँ पे सी को सर्कल करना है। इसी तरह से सॉक्स, एस। फिश, एफ। जग, जे। अम्ब्रेला, यू। बेड, बी। तो इस एक्सरसाइज के थ्रू आप बच्चों के फोनिक साउंड्स की प्रैक्टिस करवाइए। सेवेंथ है जॉइन द लेटर्स। यहाँ पे जब आप बच्चों को लेटर्स कम्प्लीटली सिखा चुके हों और लेटर के साउंड सिखा चुके हों, उसके बाद में आप पढ़ना सिखाइए। इनको साइट वर्ड्स भी बोलते हैं, जैसे इट, जो कि जनरली यूज में आते हैं। एलकेजी में बहुत थोड़े से ही ऐसे साइट वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे बच्चे से हमको पूछना ये क्या है, आई प्लस टी, इसको क्या बोलेंगे, ई ट इट। इस तरह से बच्चों को आप इनके फोनिक साउंड के साथ बुलवाते हुए टू लेटर वर्ड्स बच्चों को बाद में आपको सिखाना है, जैसे ओ फ ऑफ। इसी तरह आई प्लस एस को जोड़ेंगे तो ई ज इज। इसी तरह से एम प्लस वाई माय टू। इस तरह से आप बच्चों को लेटर्स को ज्वाइन करने की एक्सरसाइज भी दीजिए। एट, क्रॉस द पिक्चर दैट इज नॉट रिलेटेड टू लेटर। यहाँ पे हमने कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, ये कॉम्बिनेशन लेटर्स हैं, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी। यहाँ पर बच्चों को एक ऐसी पिक्चर को क्रॉस करना है जो कि इस लेटर से रिलेटेड नहीं है। एलकेजी में बच्चों को हर लेटर के लिए 3-4 वर्ड्स एटलीस्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एक्स, ए फॉर एंड, ए फॉर एरोप्लेन। तो यहाँ पर हमने बच्चों की वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करवाने के लिए एक्सरसाइज बनाई है, जिससे कि बच्चा आइडेंटिफाई कर सके कि ए फॉर एंड करेक्ट है, ए फॉर एप्पल करेक्ट है, पर ये कैट रॉन्ग है क्योंकि ये सी फॉर कैट है। तो इस एक्सरसाइज के थ्रू बच्चों की वोकैबुलरी की अच्छी प्रैक्टिस होगी। सी, ये क्या है, लीफ, कप, कैट, ये दोनों करेक्ट है पर ये रॉन्ग है, ये सी से बिलोंग नहीं करती है। जी, जी फॉर ग्लास, जी फॉर ग्रेप्स। ई फॉर एनवेलप, ये रॉन्ग है तो बच्चे को यहाँ क्रॉस करना है। एम, एम फॉर मैट, एस फॉर सन, एम फॉर मैंगो, तो ये रॉन्ग है। इसी तरह पी फॉर पैरेट, पी फॉर पेंसिल, K for kite wrong है। तो इस एक्सरसाइज के थ्रू बच्चों के पिक्चर से जो ऑब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं उनकी प्रैक्टिस होगी और बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ेगी। 9th, look at the scenery and write the first letter of picture and color। यहाँ पर हमने एक सीनरी दी है बच्चों को, मेनली ये फन पर्पस के लिए बनाई है ये वाला एक्सरसाइज। इसमें बच्चों को कलर करना है, कलर के साथ साथ हमको बच्चों को बताना है ये हिल है, ये सन है, ये वुमेन है, ये बर्ड्स है, ये ट्री है, ये हट है। इस तरह से बच्चों को इन सभी पिक्चर्स का स्टार्टिंग लेटर लिखना है। जैसे ट्री का स्टार्टिंग लेटर होता है टी, तो यहाँ पे टी लिखना है। बर्ड्स का स्टार्टिंग लेटर होता है बी, तो यहाँ पे बी लिखना है। इसी तरह से डब्ल्यू फॉर वुमेन, एच फॉर हर्ट, एच फॉर हिल, एस फॉर सन। तो इस तरह से बच्चों को बॉक्सेस में इन सभी ऑब्जेक्ट्स जो सीनरी में दिख रहे हैं इन सभी के स्टार्टिंग लेटर लिख लेना है, इसके बाद में सीनरी को कलर कर लेना है। जैसे कि ये हिल है तो यहाँ पे बच्चों को ब्राउन कलर करना है, ये ट्री का स्टेम है तो यहाँ पे भी बच्चों को ब्राउन कलर करना है, यहाँ ये लीव्स वाला पार्ट है तो यहाँ पे ग्रीन कलर करना है, सन में बच्चों को येलो कलर करना है, बर्ड में रेड कलर कर देंगे, वुमेन में ऑरेंज कलर फिल कर देंगे, हर्ट में बच्चे ब्राउन कलर कर देंगे। तो कुछ इस तरह से बच्चों को कंप्लीट कर लेना है कलर को। ये मैंने एग्जांपल के लिए थोड़ा ही पार्ट कलर किया है, बच्चों को इसी तरह से कंप्लीट कलर कर लेना है। तो ये थी मेरी एलकेजी की इंग्लिश वर्कशीट पार्ट 3। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।